वफाकी काबीना के नए वुजरा की तकरीब हल्फ बरदारी, सदर आरिफ अलवी ने शिबली फराज शौकत तरीन से हल्फ लिया। शौकत तरीन को वजारत खजाना, शिबली फराज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान दिया गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर जियाउल्ला बंगश ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा महमूद खान को भेज दिया, कहते हैं अपने हल्के पर ज्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ। जब TLP ने रियासत की रिट को चैलेंज किया, सड़कों पर तशद्दुद किया, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले किए, तो उस वक्त इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत एक्शन लिया। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा, मगरबी ममालिक से कहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने होलोकास्ट के खिलाफ बात को गैर कानूनी करार दिया, वही मयार गुस्ताखाना पैगामात के खिलाफ भी अपनाएं। मगरबी शिद्दत पसंद मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने पर माफी मांगे, आजादी इजहार राय की आड़ में मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले इखलाकियात से आ रही है। बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर पावर शो के बाद जहांगीर तरीन की जेर सदारत हम ख्याल ग्रुप का इजलास, 30 से जायद अरकान की शिरकत, बात ना सुनी जाए तो इस्तीफे दे दें, बाज़ अरकान की राय इत्तेफाक ना हो सका, इंसाफ के लिए हर मुमकिन हद तक जाने पर इत्तेफाक, वज़ीर आज़म से मुतवक्के मुलाकात के लिए कमेटी बनाने पर गौर। मजीद मुशावरत के लिए तरीन ने 21 अप्रैल को साथियों को इफ्तार पार्टी पर बुला लिया। मेरे खिलाफ फर्जी कहानी बनाई गई, नेक नामी पर धब्बे लगाने की कोशिश की जा रही है, सुरखुरू होऊंगा। तीनों FIRs में शुगर से मुतालिक कोई इल्जाम नहीं, जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। राजा रियाज बोले, इमरान खान बात मजीद आगे ना बढ़ाएं, अभी तक तहरीक इंसाफ के परचम तले खड़े हैं, यही रवैया रखा गया तो कोई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। हमें रियासत मदीना में इंसाफ चाहिए। जाली बैंक अकाउंट केस में जहांगीर तरीन, अली तरीन और दीगर की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। हुकूमत का राणा सनाउल्ला पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान, वजीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं राणा सना ने सरकारी अफसरान के खिलाफ शिद्दत पसंदों वाली जुबान इस्तेमाल की। किसी शख्स को सरकारी अफसरान और उनके अहले खाना को धमकियां देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपने सियासत करनी है तो मुल्क के आइन और कानून की हदूद में रहकर करना होगी। जाति उम्रा में किसी का घर गिराने का इरादा नहीं था, सरकारी जमीन गलत तौर पर ट्रांसफर की गई। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जाति उम्रा से मुतालिक उनका दावा जाली साबित हो चुका, सरकारी जमीनें वागजार करा रहे हैं। मेरे जिस बयान को फवाद चौधरी दहशतगर्दी के मुकदमे की बुनियाद बना रहे हैं, उस तरह तो 100 मुकदमात वजीर आजम पाकिस्तान पर भी दर्ज होने चाहिए। राणा सनाउल्ला की बोल न्यूज से खसूसी गुफ्तगू, कहा फवाद चौधरी को इंसदादे दहशतगर्दी कानून का पता नहीं। राणा सनाउल्ला की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा जहांगीर तरीन के तेवर दिन ब दिन बदल रहे हैं, हुकूमत की अक्सरियत जहांगीर तरीन की जेब में है, तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुतहद हैं, उम्मीद है कि जिद्दोजहद में पीपल्स पार्टी हमारा साथ देगी। इमरान खान की OAIG इनको फेंटा लगाएं, गले से पकड़कर घसीट दो, पुलिस वालों को अपने हाथों से फांसी दूंगा, पार्लियामेंट पे लानत, पूरा मुल्क बंद करूंगा, PTV पे हमला करो की आवाजें डी चौक पर अब भी गूंज रही हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का ट्वीट, लिखा कि इमरान खान इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर हैं, फवाद साहब पहले मफरूर इमरान को अदालत में छोड़ दें। कोर्ट लखपत जेल लाहौर में शहबाज शरीफ से हमजा शहबाज खानदान के दीगर अफराद और वकला की मुलाकात, जमानत जाति उम्र पर स्टे ऑर्डर और मुतवक्की ऑपरेशन से मुतालिक उमूर से आगाह किया गया। कराची और हैदराबाद को लावारिस छोड़ दिया गया, सिंध के अफसर माफिया ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध के करप्ट हुक्मरान अपनी कारकर्दगी तो बताएं, अस्पतालों में CT स्कैन मशीनें खराब क्यों पड़ी हैं, MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार की तनकीद, कहा हुकूमत ने KMC को लूला लंगड़ा कर दिया, कराची बिल्डिंग कंट्रोल को सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी बनाकर लूटा। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहल औलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैजाई अता कर,
बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।